दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से लोगों की किडनियां फेल हो जाती है। ऐसे में आप इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें। इन 6 आदतों के कारण आपकी किडनी खराब हो सकती है और आपको इनसे बचना ही चाहिए। पहला नंबर पर आता है शराब पीना। अगर आप रोजाना ज्यादा शराब का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन होता है वो शरीर के वाटर के बैलेंस को मेंटेन करती है और साथ ही ये आपके ब्लड प्यूरिफायर करता है। जब आप शराब का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर का एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से किडनी फेल होने का चांस बढ़ जाता है। इसके बाद आता है पेशाब को देर तक रोक के रखना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेशाब को बहुत देर तक रोक कर रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशाब को बहुत ज्यादा देर तक रोक कर रखने से गोल ब्लैडर में जमा हो जाता है। इसके साथ ही पेशाब को ज्यादा देर तक रोक के रखने से ये किडनी में भी जा सकता है, जिसके कारण से इन्फेक्शन और किडनी खराब हो सकती है। इसके बाद आता है बहुत कम पानी पीना। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब प्यास लगती है तभी पानी पीते हैं, और बहुत कम पानी पीने से आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो किडनी आपके शरीर से वेस्ट और टॉक्सिक को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिससे कि आपकी किडनी खराब होने का डर ज्यादा रहता है। इसलिए आपको ज्यादा पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके बाद आता है ज्यादा नमक खाना। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाने में ऊपर से नमक लेकर खाते हैं। नमक में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और सोडियम किडनी का बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए बहुत ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए। और नमक खाने का एक नुकसान ये भी है कि ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। इसके बाद आता है बहुत ज्यादा कॉफी पीना। बहुत ज्यादा कॉफी पीने से भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, क्योंकि कॉफी में बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है। कैफीन हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण है, और बहुत ज्यादा कॉफी पीने से भी आपकी किडनी बहुत जल्दी खराब हो सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को आप ध्यान में रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। Thank you.